नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल आई सिंधी में। देखिए, ये अभी अभी तुरंत न्यूज़ आई कि जो यूपीपीसीएस 2018 का मेंस होने वाला था उसको अभी स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी यूपीपीसीएस के द्वारा जारी किया गया है और ये बोला गया है कि जो दिनांक 17 से 21 तक आयोजित होनी थी परीक्षा, उसको अपरिहार्य कारणों की वजह से स्थगित कर दिया गया है और आगे कब होगा इसकी सूचना बाद में बताई जाएगी। तो देखिए, ये अभी सभी लोगों ने इस तरीके का मांग किया हुआ था, जो कि ये कल शायद आंदोलन वगैरह भी होने वाला था जिससे पहले ही ऐसा निर्णय ले लिया गया। और आप लोग को वो न्यूज़ तो सभी लोगों को पता ही होगा कि जो LT ग्रेड वाली परीक्षा थी उससे संबंधित जो पेपर लीक हुआ और लोग पकड़े गए कोलकाता थे, और जो एग्जामिनर हैं मतलब एग्जाम कंट्रोलर है वो भी पकड़े गए, अंजू श्रीमती अंजू कुछ हैं करके वो भी। मतलब इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार इस समय UPPCS में है और एक तरीके से हम देखते हैं स्टूडेंट्स लोग तैयारी कर रहे हैं बेचारे, वो अपने नॉलेज की वजह से उनको लगता है कि हम सेलेक्ट नहीं हो पाए, मेरी तैयारी कम रही, लेकिन यहाँ पे तो आयोग ही समस्या पैदा कर दे। चाहे वो बिहार का हो, BPSC में भी सेम वही चीज़ टाइप से चीज़ें हुई, स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही बेकार गलत काम हुआ, उसी प्रकार से UPPCS में भी पेपर बांट दिया जा रहा है। बताइए, मतलब स्टूडेंट्स को लगता है कि हम मेरी तैयारी वीक थी उसमें इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पेपर ही बांट दे रहे हैं, कट ऑफ ऊपर चला जा रहा है और फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मतलब इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं हैं। और देखिए, BPSC में भी न्यूज़ ऐसी है कि कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें कोर्ट ने मतलब डांट फटकार लगा के वैसे BPSC को बोला कि आपका काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए। तो काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे वो, सैट डेट 3 तारीख को है, नेक्स्ट मंडे को 3 तारीख को सुनवाई होगी। और उसमें अब वो काउंटर एफिडेविट जो भी फाइल करें तो उस वैसे भी उसका काउंटर एफिडेविट का कोई खास आधार होगा नहीं। तो देखिए, आने वाले उसके 3 के बाद की जो भी एक दो डेट पड़ेगी कोर्ट के द्वारा दी जाएगी, एक दो डेट में फाइनल उसका भी डिसीजन आ जाने की उम्मीद है। तो हो सकता है उसमें भी मतलब ज़्यादा चांस है कि जिनका बिहार में 2-3 नंबर से रुका है उनका भी होने का चांस है, तो वो लोग कम से कम मेंस की तैयारी पूरा करते रहें अच्छे से। ठीक है, और देखिए हो जाना चाहिए इस तरीके से आप लोगों का। तो ठीक है, फिर आप लोग अपनी तैयारी एटलीस्ट जारी रखिए, तो जो समय मिला है उसको बर्बाद नहीं करना है। वही चीज़ आपको बिहार में भी है, यूपी में भी है, समय अगर आपको मिल रहा है तो उसको पढ़ाई में यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि अगर डेट बढ़ाई गई है उसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे, और अगर नहीं पढ़ेंगे फिर से वही 10 दिन बचेगा, फिर लगेगा कि अब 10 दिन में कैसे किया जाए, तो समस्या होगी। तो जो ये आपको समय मिल रहा है उसको जब यूटिलाइज़ करेंगे तभी इस पेपर बढ़ने का फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ठीक है, फिर आप लोग सब लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और एकदम सही तरीके से। बाकी और भी आगे वीडियोज़ अब आते रहेंगे, अभी प्रीलिम्स के भी वीडियोज़ लाए जाएंगे। ठीक है, फिर चलिए, फिर थैंक यू वेरी मच, आप लोग इस तरीके से जुड़े रहिए, और काफ़ी समय के बाद हुआ है तो ठीक है, तो देखते हैं आगे।